नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्टीज देख रहे हैं, बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार के शिक्षकों को लेकर। देखिए, कई दिनों तक हमने ये बातचीत की है, लेकिन बिहार में कई पॉलिटिकल मुद्दे होते हैं, कई सारी बातें होती है निकल के जो आती है, हम उस पर भी ध्यान आकर्षित करते हैं। लेकिन शिक्षकों की मांग भी बड़ी है। 22 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है, क्योंकि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग नीति बनकर तैयार है, उस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत सारी समस्याएं अभी भी हैं, कई समस्याओं की चर्चा हमने की है। हमारे साथ पिंटू कुमार सिंह जी हैं, कई मेहमान हम उनसे परिचय कराते हैं। पिंटू कुमार सिंह जी है, बहुत स्वागत है। प्रदेश अध्यक्ष हैं, स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षक संघ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पिंटू सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। रवि उपाध्याय जी हैं, बिहार के प्रदेश पत्रकार हैं। देखिए, बात शिक्षकों की हो रही है, इसलिए हम शिक्षक नेताओं से समझते हैं, जो पढ़ाते हैं, जो शिक्षक हैं। हर साल 5 सितंबर को बड़ी बड़ी लाइनें लिखी जाती हैं, हम शुरुआत आपसे ही करेंगे। बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, बाप रे, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, क्या क्या नहीं कहता है। शिक्षकों की लंबे समय से डिमांड भी थी, जो हम इन लोग देख रहे हैं, शिक्षक काफी तंग आ गए हैं, काफी परेशान हैं। सिर्फ 5 सितंबर को ही टीचर्स डे मना रहे थे, शिक्षकों को सम्मान मिलेगा या उनकी नीति जो बनाई गई उसमें सुधार करना होगा, क्योंकि ट्रांसफर नीति तो शिक्षकों की डिमांड पर ही बनी थी। लेकिन अब दिक्कत हो रही है, टीचर्स आपको लगता है कि सच में तबाह है? देखिए आलोक जी, बिहार के तमाम शिक्षक इस पदस्थापन नीति से परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री जी सदन में बार बार यह बयान दिए। जुलाई का सत्र चल रहा था और उसी समय, उसके पहले ही 2 जुलाई को ही एक 4 सदस्यीय कमेटी का सरकार ने गठन किया था पदस्थापन नीति को लेकर के, और वह कमेटी का रिपोर्ट भी 15 दिन में देना था, लेकिन सदन चल रही थी, हंगामे के डर की वजह से सरकार उस समय कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर पाई और 15 दिन के बदले 3 महीना उस कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने में लगाया गया। बार बार माननीय मंत्री जी आश्वासन देते रहे कि हम एक ऐसी पदस्थापन नीति ला रहे हैं जिसमें बिहार के बहुसंख्यक शिक्षक समाज जो है वो लाभान्वित होंगे। हम लोगों ने भी तहे दिल से इसका स्वागत भी किया था कि चलिए अच्छी बात है, जो दूर दराज हमारे शिक्षक हैं, जो लंबे अरसे से पदस्थापित हैं और चाह रहे हैं कि हम अपने घर में आ जाए। 2020 में भी एक ट्रांसफर के लिए एक पॉलिसी बनाई गई थी, सॉफ्टवेयर आज तक नहीं बना उसको लेकर के, हम लोग गर्दनी बाग में 2022 में धरना पर भी बैठे थे, लेकिन आज तक उसका कोई फलाफल प्राप्त नहीं हुआ। फिर जो है ये नीति लाई गई, लेकिन मेरा कहना है कि जब हमारे लिए 2023 में विशिष्ट शिक्षक नियमावली सरकार ने अधिसूचित किया और उस विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत बिहार में फरवरी में एक परीक्षा का आयोजन हुआ, मार्च महीने में उसका परिणाम ही दे दिया गया, उसी विशिष्ट शिक्षक नियमावली के कंडिका 4 में स्पष्ट प्रावधान था कि स्थानीय निकाय के शिक्षकों से 3 जिला का विकल्प प्राप्त किया जाएगा। मेधा के आधार पर जो आप परीक्षा में अंक प्राप्त करेंगे उसके आधार पर आपको एक जिला अलॉट कर दिया जाएगा। सारे बिहार के शिक्षक परीक्षा में अपनी प्रतिभा का परिचय दिए, 1,87,000 शिक्षक चयनित हुए और सभी को एक एक जिला आवंटित भी हो गया। जब वह उस शिक्षक पदस्थापन के, अब मार्च से ही पदस्थापन के इंतजार में बैठे रहे, तब तक आचार संहिता लग गई। खैर चलिए, आचार संहिता के बाद जून जुलाई में पदस्थापन तो कर देनी चाहिए थी, लेकिन सरकार जो है जून जुलाई में पदस्थापन करने की जगह पर जुलाई में कमेटी बना दी। कमेटी जब बनी, फिर भी हम लोग आसान्वित थे कि चलिए कमेटी बनाई गई है तो कुछ अच्छी रिपोर्ट आएगी, कुछ लाभ प्राप्त होगा, 10 जिले का एक जिला चयनित हुए हैं, 10 स्कूल का विकल्प प्राप्त कर लिया जाएगा शिक्षकों से। 10 विकल्प लेने में क्या दिक्कत है, हमारे इंटर में जब बच्चों का नामांकन होता है तो उस बच्चों से 10 स्कूल का ही तो डिमांड की करती है सरकार, 10 स्कूल में किसी एक स्कूल में उसका नामांकन हो जाता है, तो शिक्षकों से भी 10 विद्यालय का मांग करके उसका उस जिला में पदस्थापन कर दिया जाता, एकदम आसान प्रक्रिया थी, कोई ढोल बजाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इतना ढोल बजाया जा रहा है, काम कुछ नहीं और केवल ढोल बजाने का काम हो रहा है, ये स्थिति बनी हुई है। और अभी एक नई सगुफा छोड़ दी गई कि अभी हम लोग नियुक्त हैं, हम लोग स्थानीय निकाय से नियुक्त हैं, अभी काम कर रहे हैं विद्यालय में, अब 20 तारीख को आनन फानन में एक नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, तो हम नियुक्त हैं और उस नियुक्ति पत्र से हम नियुक्त भी नहीं हो रहे। देखिए कितनी बड़ी बात है, हम नियुक्त भी नहीं हो रहे, वो जो नियुक्ति पत्र मिलेगा उस नियुक्ति पत्र से हमारी कोई नियुक्ति नहीं होगी, हम पहले से ही नियुक्त हैं और वह नियुक्ति पत्र दिया जा रहा किस लिए, गला में लगा करके बिहार के शिक्षक बाजार में घूमेंगे, उसका क्या पहले और भैंस घंटी टांगा। तो ये नियुक्ति पत्र, पिंटू जी एक मिनट,
देखिए ये तो ठीक है कि 2023 में विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो है सो बनी जी। और इसके तहत स्थानीय निकाय शिक्षकों को सरकारी राजकर्मी का दर्जा देने की बात कही गई, यह भी ठीक है। उसमें कंडिका 4 का आपने उल्लेख किया, जिक्र किया, यह भी ठीक है। सक्षमता परीक्षा फरवरी 2024 में हुआ और मार्च में इसके परिणाम भी आ गए, एकदम फैक्ट है, इसके आप भी सहमत होइएगा। और अब देखिए ये जो अब जो नई पदस्थापन नीति है 2024, ठीक है, तो 2000 उसमें सुप्रीम कोर्ट से जो सर्वोच्च न्यायालय न्याय का सबसे बड़ा मंदिर होता है उससे आपको आदेश लाई जाती है, तो बीच में क्या इसमें कोई परिवर्तन हो सकता है क्या सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के बाद? कोर्ट का भी आदेश है, हाई कोर्ट ने भी पहले से आदेश किया है, सुप्रीम कोर्ट का भी हाल ही में ऑर्डर आया है, बिल्कुल, कि कोई भी नीति अगर बना दी जाती है तो उस नीति में बीच में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। हमारे तो उसी कंडिका में ही सारे चीज पदस्थापन की जिक्र की गई थी, तो हमारे लिए उसमें अलग से नीति बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, अनावश्यक विलंब किया गया। अब सोच लीजिए एक एक शिक्षक को, ये सभी बिहार के स्थानीय निकाय से जो शिक्षक है इनको सरकार अभी तक ईपीएफ देती है, बिल्कुल, और ईपीएफ भी मात्र 15,000 इनके वेतन निर्धारण कर दिए। नहीं, ये ईपीएफ की जो बात कह रहे हैं आप, ये देखिए जुलाई 2015 में वेतनमान लागू किया गया था जी, ठीक है, और यह ईपीएफ आपको उस समय नहीं दिया गया जी, नहीं, और यह आपको 2020 में ईपीएफ दिया गया। तो ये जो इस पीरियड, इस अवधि का 2015 से 2020 के अवधि का जो ईपीएफ नहीं लागू किया, तो वो तमाम शिक्षकों को इसका तो लाभ से वंचित रह गए, बिल्कुल, ईपीएफ से। तो ऐसे में क्या आपको यह पूरा जो इंटरेस्ट है, जो बीच में अब तो लागू करने की बात आ रही है, क्या लागू कर दिया गया या लागू किया गया, ये तो आप इस पर प्रकाश डाल सकते हैं, लेकिन इसके बीच का जो पीरियड का जो गैप है, जो इंटरेस्ट है, वह क्या सरकार देगी? बिल्कुल नहीं देगी। सरकार ने जब ईपीएफ योजना लाई थी तो कहा कि आप एक नियुक्ति तिथि भर दीजिए कि आपकी नियुक्ति तिथि जो है वो 20 में है। आप बताइए फर्जी नियुक्ति, जब नियुक्त शिक्षक 2003 में है, कोई 5 में है, कोई 6 में है, कोई 8, कोई 10, कोई 12, हाँ बिल्कुल, कोई 14 है ना, आप उसको आप कह रहे नियुक्ति तिथि ये माना जाएगा, और उसी तरह से अभी जो विशेष शिक्षक के रूप में विद्यालय में पदस्थापित होंगे, जो जिस तिथि को विद्यालय में पदस्थापित होंगे वहां से फिर उसकी एक नई नियुक्ति शुरू हो जाएगी, हाँ बिल्कुल। पीछे की गणना क्या उसने काम नहीं किया विद्यालय में? सेवा निरंतरता की कहीं भी चर्चा ही नहीं है, इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं। शिक्षा मंत्री तो कह ही रहे कि भाई इम्प्लीमेंट होगा, कोई गड़बड़ी होगी तो हम अमेंडमेंट करेंगे। बिल्कुल, देखिए नीति तो आ गई, अब आपकी मांग पाए थे, हमने मांग किया था, लेकिन हमारी मांग के अनुरूप नीति नहीं आई। हमने मांग जैसा नहीं किया था, हमने तो आप क्या चाहते हैं उसी पंचायत में कर दिया? हम ये कह रहे हैं, नहीं पंचायत में नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के आलोक में 1,87,000 शिक्षकों का पदस्थापन कर दिया जाए। एक मिनट, ठीक है, ये आम बात, हम इसी पर थोड़ा सा इसी में जोड़ते हुए आप यह भी बता दीजिए तमाम व्यूअर्स को, लाइव सिटीज के और लोगों को जो जानकारी, मान लीजिए 1,87,000 शिक्षक जो विशिष्ट माने जो जिनका पहले टेन्योर में जिनका अपॉइंटमेंट हुआ वो चले आए सक्षमता के पास, अब जो दूसरा फेज जो निकला है लगभग 67,000 निकला है ना आज, तो वो इनका क्या हासिल होगा ये बता दीजिए? वे शिक्षक जो दूसरे फेज के हैं या तीसरे फेज में भी लोग आएंगे, बिल्कुल, सभी लोगों का एग्जाम जो लिया जा रहा है वह विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत ही लिया जा रहा है, ठीक है। तो जब 2023 की नियमावली के तहत परीक्षा ली जा रही है तो पदस्थापन भी उसी नियमावली के तहत होना चाहिए, बिल्कुल, परीक्षा इस नियमावली से और पदस्थापन दूसरे नियमावली से, एक कहीं से न्याय उचित नहीं प्रतीत हो रहा है। इसलिए जिस नियमावली से पदस्थापन हुआ है उसी नियमावली से, ये सॉरी परीक्षा हुआ उसी नियमावली से पदस्थापन किया। तो नहीं, तो आप क्या कर रहे हैं, अभी आप लोगों को शुरू में कहा गया था कि 3 जिलों की बात की थी, प्रेफरेंस मांगा गया था 3 जिलों का, फिर उसके बाद हुआ 10 अनुमंडल, 10 अनुमंडल बहुत ज्यादा लग रहा है आपको? अब उसे आप तो प्रेफरेंस देख रहे हैं, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, 3, 4, 5, 6, देखिए 3 जिला में का विकल्प लिए, 3 जिला में मेधा के आधार पर एक जिला में जो निकाय के माध्यम से चुना गया था, एक जिला हम सेलेक्ट कर लिए। जब एक जिला हम प्राप्त कर लिए तो फिर हमें तो उसी जिला में या तो प्रखंड का विकल्प लेते या विद्यालय का विकल्प लेते, उसी जिला में ही रखेंगे ना। बिहार के 8 ऐसे जिले हैं जहां मात्र एक अनुमंडल है, 11 ऐसे जिले हैं जहां 2 अनुमंडल है। आप कल्पना कीजिए कि जहां एक अनुमंडल है तो फिर एक अनुमंडल वाले तो बाहर हो जाएंगे,
जिला के ही बाहर हो जाएंगे, तो उनको ऑलरेडी जब जिला मिला हुआ है, मान लीजिए जहानाबाद किसी को जिला प्राप्त है, अब इस नीति के तहत आप कह रहे हैं कि जहानाबाद आपको अनुमंडल अपना है। देखिए सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, आपका जिला पहले से आवंटित है ना, आप तो जो आप भी कार्यरत हैं पिंटू जी, आपका जिला पहले से आवंटित है, अब फिर से ये मांगा जा रहा है कि इन शिक्षकों से 10-10 अनुमंडल की मांग की जा रही है, तो ऐसे में अब क्या होगा, अब क्या होगा? वहां इन शिक्षकों से या तो 10 विद्यालय ले लेते सबसे बेहतर था, या फिर प्रखंड की ही मांग कर लेते। ये अनुमंडल कह रहे हैं उसमें भी एक चीज दे रहा है कि गृह अनुमंडल छोड़ करके, पुरुष शिक्षकों से गृह अनुमंडल छोड़ करके आपको पदस्थापित किया जाएगा। जब गृह अनुमंडल मान लीजिए हमारा जहानाबाद है, तो क्या हम जहानाबाद जिला छोड़ दें? तो फिर हमको जो कार्ड मिला हुआ है, भेजाते हम मान लीजिए जो शिक्षक जहानाबाद अरवल जमुई बांका जो सिंगल सिंगल जिले हैं, किशनगंज है ना या शिवहर जो भी हो, तो ये 8 जो जिले हैं जहां मात्र एक ही अनुमंडल है, तो उन शिक्षकों का क्या होगा? ठीक है ठीक है, उन जिलों में जहां पर बहुत ज्यादा अनुमंडल है, फिर वहां के शिक्षक कहां जाएंगे? तो फिर वहां को भी तो कहीं कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा ना। नहीं, उस जिले में तो ऑलरेडी पहले से शिक्षक सभी जिले में तो है ही। हाँ, ये तो सभी जिले में शिक्षक है, सबको जिला मिला है, फिर तो आप वही आ रहे हैं ना कि पास में ही दे दिया जाए। तो इस अनुमंडल की जो बाध्यता लगा दी गई, मेरा कहना है कि अनुमंडल की जो बाध्यता लगा, अनुमंडल भी चेंज नहीं हो सकता है, अनुमंडल की बाध्यता समाप्त कीजिए, ताकि लोगों को जो पहले से ऑलरेडी एक सर्टिफिकेट भी सरकार ने दिया जिसमें बेजाब्ते लिखा हुआ है कि अलॉटेड जिला पटना है ना। अब आप पटना में अगर किसी को पदस्थापित नहीं करेंगे, अब हाजीपुर भेज दीजिएगा, तो उस सर्टिफिकेट को लोग क्या करेंगे, गला में लगाकर घूमेंगे? वही 5 साल के लिए, वही 5 साल, वही 5 साल, 5 साल के बाद। अच्छा, राज्यकर्मी बनने का जो था ये, वो क्या हुआ? जो राज्यकर्मी बनने का जो आस लगाए बैठे थे आप लोग, उसका क्या हुआ, यह भी बता दीजिए। सरकार कह रही है कि हम कर रहे हैं, परीक्षा परीक्षा तो अभी आप लोगों ने दिया, परीक्षा हो गई, रिजल्ट भी आ गया। हम लोग जुलाई तक राज्यकर्मी बन गए होते मैक्सिमम आचार संहिता लगने के बाद भी, लेकिन जुलाई तक सरकार ने हमको नहीं बनाया। अभी नवंबर भी बीतने जा रहा है, दिसंबर भी समाप्त होगा, जनवरी में एसीएस महोदय का जो गाइडलाइन आया है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में इन्हें हम विद्यालय आवंटित कर देंगे, आवंटित तो दिसंबर में कर देंगे, जनवरी के प्रथम सप्ताह में इनको विद्यालय योगदान करा देंगे। कार्यभार जिस तिथि को विद्यालय में हम योगदान करेंगे, वह तिथि जो है वह नियुक्ति की तिथि होगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि मार्च से लेकर परीक्षा परिणाम की तिथि से लेकर के ये मेरा दिसंबर तक का जो गैप हुआ, में हमारा एनपीएस तो हर शिक्षक का मेरा 10,000 रुपया चला गया, ये पैसा सरकार देगी? तो कम से कम अगर इतना विलंब हुआ है सरकार की गलत नीतियों के कारण हुआ है, तो सरकार उनको परीक्षा परिणाम के तिथि से राज्यकर्मी का दर्जा घोषित करे। जी हम रवि सर के पास आएंगे। सर क्या होता है, चुनावी साल भी है अगले साल, इसका काफी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि 5 लाख शिक्षक हैं, ट्रांसफर तो सबकी होनी है, चाहे कोई भी हो, बीपीएससी वाले हो, कोई भी हो, सक्षमता पास परीक्षा करने वाले हो, लेकिन इसका असर तो जो पड़ेगा, नेता अभी कह रहे हैं लेकिन लगता नहीं कि अभी होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, नवंबर में आप सब ले लीजिएगा, दिसंबर में कर दीजिएगा, लेकिन अब इसमें और लगता है समय रहेगा। देखिए इसका असर भी पड़ेगा चुनाव पर। देखिए एक बात तो समझने वाली है, अभी जो है सो पहले से पूर्व से ही कार्यरत 1,87,000 शिक्षक हैं, अब फिर से आपको 67,000 आ गया, तो अब ऐसे में यही लोग सेटिस्फाइड नहीं है जो 1,87,000 शिक्षक हैं, अभी 10 तरह का समस्या है, और फिर से 67,000 फिर से जो एंट्री होगी, तो अब तो समझिए कि माने इतना भीड़, इतना गैदरिंग, कहां से 10-10 अनुमंडल, 5-5 अनुमंडल क्या होगा? और उसमें देखिए ये 2023 में जो नियमावली जो बनी, विशिष्ट शिक्षक नियमावली, देखिए नियम विशिष्ट उसमें लिखा हुआ है, इन लोगों का डिमांड था समान काम समान वेतन, ये शुरू से ही लोग लंबा संघर्ष रहा, लंबा संघर्ष रहा ये स्थानीय निकाय वाले शिक्षकों की, और उसके बाद जो है सो विशिष्ट, विशिष्ट का मतलब देखिए टेक्निकल, सरकार जो है सो इस तरीके से टेक्निकली आपको फंसा करके रख देगी, हम दाव पेच में जो होता है विशिष्ट लगा रहे, भाई सब वही काम आप कर रहे हैं और पूर्व से करते रह रहे हैं, यह तो सक्षमता परीक्षा मान लीजिए जब भी हो, 2015 में हो, 20 में, आप 17 में, 13 में, ये लोग कई वर्षों से पढ़ाते चले आए, अनुभव इतना है कि जो आप नया नई नियुक्ति करिएगा उससे बेहतर ये लोग परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो यह निश्चित रूप से यह एक बड़ा पेचीदा मामला है। और देखिए चुनाव 2025 का होने जा रहा है, अगर यदि सरकार इस पर कोई अपना स्पष्ट जो नीति नहीं लाती है, नहीं करती है, तो हमको लगता है कि आने वाले समय में ये निश्चित रूप से बहुत परेशानी होगी। 2025 के विधानसभा चुनाव कह लीजिए या टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो
एमएलसी जीत करके आते हैं या ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से, उनके लिए भी परेशानी होगी, या रूलिंग पार्टी को हो या कोई पार्टी से हो। इसलिए हमको लगता है कि इस बार का जो विधानमंडल का सत्र होगा वो हंगामेदार होगा। नहीं, हम देखा गए एनडीए के जो नेता है, नवल किशोर यादव हो, जीवन कुमार हो, जो शिक्षक नेता है, वो सब बोल रहे हैं कि हाँ ये गलत हुआ है, कुछ कह रहे हैं कि अफसरों की मनमानी है इसमें, तो ऐसी बात तो दिख रही है। देखिए निश्चित तो दिखेगा, ये आप बोल रहे हैं। देखिए अधिकारी तो अधिकारियों को इनसे कोई ज्यादा ये नहीं, वो सरकार का रुख दूर से ही देख के पकड़ लेगी कि सरकार क्या चाहती है। अगर सरकार थोड़ा सा भी इधर आपको दिखाई पड़ेगी सॉफ्ट सॉफ्ट, तो ये लचीलापन होगा, तो निश्चित रूप से जो इन लोगों का डिमांड है वह जायज डिमांड है और एक होना भी चाहिए। देखिए आप जब सबसे समान काम, समान वेतन की मांग कर रहे हैं, तो ये कौन सा गलत काम है भाई? ये तो लंबे समय से काम कर रहे हैं, आज हमारी आपकी इंटरव्यू हुई है वहां, उससे पहले से ये लोग पढ़ा रहे हैं तो, और ये लोग क्वालिटी एडुकेशन की बात करते थे, इनसे बेहतर कौन पढ़ा सकता? अनुभव, अनुभव तो बहुत बड़ा काम करता है, डिग्री काम नहीं करेगा लेकिन अनुभव जरूर काम करेगा, अनुभव जरूर काम करेगा। एक बड़ा सवाल है, देखिए एक बड़ी बात भी है, हम अनुभव से फिर थोड़ा सा इतर होकर अब जब फैक्ट्स पर भी बात करते हैं, ठीक है, जब हम सरकार के पक्ष को भी जानते हैं, वो तो कहीं रहे ना कि अमेंडमेंट हम करेंगे, अब क्या करें? जैसे पहले आपका था निकाय के माध्यम से होता था, पंचायत में होता था, तो फिर तो आप कह रहे हैं कि अनुमंडल को हटाकर ब्लॉक में कर दीजिए, कई सारे ब्लॉक का ऑप्शन दीजिए, कई नेता तो यही कह रहे हैं ना हम लोग कि पदस्थापन के लिए, पदस्थापन के लिए अभी कैसे कह सकते हैं कि वो डैमेज हो गया है? पदस्थापन के लिए जबकि आवेदन शुरू हो गया, कई लोगों ने आवेदन किया है, लेकिन अभी तक नियोजित शिक्षक जो है, जो सक्षमता पास किए हुए स्थानीय निकाय के जो शिक्षक हैं, वे आवेदन अभी बहुत कम कर रहे हैं। ये जो थोड़ा बहुत आवेदन आप देख रहे हैं, ये कहा जाता है लोक सेवा आयोग के जो शिक्षक हैं, मैं बता रहा हूँ, कहा जाता है 50,000 से अधिक आवेदन हो चुके हैं। हाँ, 50,000 जो शिक्षक हैं टीआर 1 और 2 के द्वारा जो बहाल शिक्षक जो दूर दराज पाठक जी के समय में चले गए थे, वे वैसे शिक्षक हैं। अभी मैं 2 दिन पहले एक पेपर पढ़ रहा था भागलपुर जिला का, जहां 5,400 समथिंग शिक्षक सक्षमता परीक्षा दिए थे, उसमें मात्र 140 शिक्षकों ने आवेदन किया था, परसों दिन तक का रिपोर्ट बता रहा है। आप इसी से कल्पना कर लीजिए कि बिहार के नियोजित शिक्षक इस पदस्थापन नीति से कितने परसेंट, मात्र 140 शिक्षक आवेदन किए भागलपुर जिले का, मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पुलिस में कैसे होता है, गृह जिला हम लोग नहीं देते हैं, पुलिस के लिए रहने के लिए आवासन की व्यवस्था है, ठीक है, थाना में भवन बना हुआ है, जिला में आप मार्केटिंग यार्ड, ये क्या कहते हैं उसको, हम लोग पुलिस लाइन बनी हुई है, 13 महीने का वेतन, 13 महीने का वेतन भी, वर्दी भत्ता वगैरह सब, बहुत तरह के भत्ता मिलते हैं। ये आप बताइए कि हमारे बिहार के जो शिक्षक हैं, 6 लाख शिक्षक, 6 लाख शिक्षक और प्रत्येक गांव देहात सुदूर दूर इलाकों में पदस्थापित है, ठीक। अब इन शिक्षकों को दूसरे जगह आप अगर पदस्थापित आप करते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि उनको कहीं ना कहीं आवास लेना पड़ेगा किराए का, अभी तो घर में है, अपने घर से विद्यालय कर लेते हैं, है ना, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर गाड़ी चला के चले जाते हैं, लेकिन यदि आप उनको दूर भेज देते हैं 100 किलोमीटर के रेडियस में, तो सभी शिक्षकों को क्या करना पड़ेगा, आवास लेना पड़ेगा। कहां बिहार सरकार आवास बना के दी है क्या, कहीं है आवास की व्यवस्था? तो अपने से करना पड़ेगा, आवास मिलेगा नहीं सर, तो किराए पर लेना पड़ेगा, लोगों को किराए का घर तक नहीं मिलेगा, कहां लोग उतना घर बना हुआ है, कहां लोग रहेगा उस सुदूर देहात में, ऐसे ऐसे बिहार में गांव है, नदी नाले वाले गांव है ना, झुंगी झोपड़ी वाले भी गांव है, वहां उन गांव में लोग कैसे एडजस्ट करेगा अपने आप को, या तो प्रखंड मुख्यालय या जिला मुख्यालय में अपने आप को लोग रहेगा या अनुमंडल मुख्यालय में रहेगा, तो उस छोटे छोटे जो कस्बे हैं वहां भीड़ बढ़ जाएगी, वहां लोगों को किराए का घर तक नहीं मिलता है, कितना कष्ट है उस अनुपात में, लोग घर तो नहीं ना बनाए हुए हैं, छोटा छोटा अनुमंडल प्रखंड की क्या स्थिति है, किसी से छुपा हुआ है बिहार का, तो परेशानी बढ़ जाएगी शिक्षकों को। अभी तक तो सारे शिक्षक अभी अपने घर से विद्यालय कर लेते हैं, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक लोग गाड़ी चलाकर जा रहे हैं, तो इसके लिए या तो आप आवास दे दीजिए विद्यालय में ही, आवास बना दीजिए, ठीक है, अभी तो ये समस्या हुई कि कई जगह पर तो सब्जेक्ट वाले टीचर नहीं है सर, अभी भी विषयवार तो शिक्षक है ही नहीं। देखिए मैं बता रहा हूँ, सरकार ने सभी पंचायतों में प्लस टू विद्यालय खोल दिया, ठीक है, सभी विद्यालय में प्लस टू विद्यालय खोल दिया, सभी पंचायतों में। अब सभी पंचायत में खोल तो दिया गया, कई वर्षों तक शिक्षक विहीन बच्चे जो है वो परीक्षा देते रहे, ठीक है, और इसके बाद टीआर 1 और 2 जब हुआ तो कुछ शिक्षक 10-12 शिक्षक सभी जगह ये हुए, लेकिन विषयवार आप देखेंगे प्लस टू में बहाली जो होती है, आप देखेंगे कई तरह का सब्जेक्ट होता है अलग, और हर सब्जेक्ट का
शिक्षक होना चाहिए। साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सभी सब्जेक्ट में है ना, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बोटनी है, जियोलॉजी, ऐसे होगा ना। आप तीन या चार या पांच या छह शिक्षक आप बहाल कर दिए प्लस टू में, चार पांच छह सात शिक्षक आप दे देते हैं वहां। आप ये बताइए कि छह शिक्षक के भरोसे वहां हो जाएगा? आप सोशियोलॉजी का शिक्षक दे दिए और वहां बचा गया साइकोलॉजी का, कैसे पढ़ेगा? कैसे वहां पॉलिटिकल साइंस का बच्चा? अच्छा चलिए, समय की बाध्यता है। नहीं, एक मिनट, ये तो इस मामले आप लोग तो माने जो अब यूनियन है तो ये हाईकोर्ट गई है याचिका दायर। आपको लगता है कि इसमें लेट होगी तो अभी और विद्रोह होगा आप लोग का? देखिए, हम लोग दोनों रास्ते, माध्यमिक शिक्षक संघ ने कुछ घोषणा किया है, शिक्षक संघ भी 28 तारीख को ऐलान कर दिया है। हाँ। सभी शिक्षक की बात चल रही है और हम लोग सड़क पर उतरेंगे, क्योंकि देखिए न्याय जब प्राप्त नहीं होगा तो शिक्षक सड़क पर अवश्य उतरेंगे। हम लोग बार बार सरकार को मार्गदर्शन के लिए आवेदन देते रहे हैं ताकि हमारी बात को सुना जाए, लेकिन अब नहीं सुना जाएगा, अनसुनी की जाएगी, तो शिक्षकों के पास कोई विकल्प नहीं बचता है, सड़क या तो न्यायालय, दो ही रास्ते हैं। न्यायालय हमारा लास्ट विकल्प होता है, जब हम लोग थक हार जाते हैं, कहीं से न्याय की कोई उम्मीद नहीं दिखती है, तो हम लोग न्यायालय में जाते हैं। तो अभी विधानसभा का सत्र आ रहा है, हम लोग इसमें सत्र में घेराव करेंगे, हम लोग का ऐलान हो चुका है, आगे विद्रोह होगा, बिल्कुल होगा, हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग सड़क पर अवश्य उतरेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, है ना। लेकिन अभी चूंकि माननीय शिक्षा मंत्री जी का बार बार बयान आ रहा है कि हम संशोधन करेंगे, स्वागत योग्य है, लेकिन आवेदन शुरू हो चुका है, जितना जल्दी हो सके आवेदन के बीच में ही, है ना, आप संशोधित करके, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखिए, जो अनुमंडल चीज दिया है वहां पर खंड कर दीजिए ना, कोई शिक्षक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लेंगे, ये जो बात हो रही है, मांग हो रही है, आपको लगता है कि इस पर सदन में हंगामा तो होगा लेकिन इनकी मांगे सुनी जाएंगी अभी, क्योंकि ऐसा सरकार का भी रवैया दिखता नहीं है? देखिए, सरकार का रवैया नहीं दिखता है, सरकार लेकिन इसको रिव्यू करने की बात कर रही है। और सब देखिए, हर पॉलिसी मैटर पर सरकार नीति बनाती है लेकिन उसको रिव्यू भी करती है। अगर यदि देखिएगा कि शिक्षकों को इन लार्ज स्केल में बड़े पैमाने पर अगर यदि देखिएगा कि अगर यदि इससे दिखाई पड़ेगा कि सरकार को कुछ शिक्षक की नाराजगी, और निश्चित रूप से तो वहाँ पर कुछ न कुछ इसमें रिव्यू होगा, देखना होगा क्या होता है। बिहार बिग डिबेट में आज से इतना ही, बहुत शुक्रिया आपका पिंटू सिंह जी, रवि सर बहुत शुक्रिया आपका, देखना होगा आगे सरकार क्या करती है, क्योंकि 25 तारीख से बिहार विधान मंडल का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, बिहार विधानसभा विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान काफी हंगामा होगा, उन तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।